आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं थर्मल ओवरलोड ड्रिल और उसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है उसके बारे में। ये है L&T कंपनी की 63 एम्पीयर कैपेसिटी की थर्मल ओवरलोड रिले। इसकी ओवरलोड करंट कैपेसिटी रेंज 14-23 एम्पीयर है। चलिए देखते हैं थर्मल ओवरलोड रिले की टेस्टिंग कैसे की जाती है। थर्मल ओवरलोड रिले की टेस्टिंग दो कंडीशन में की जाती है, नॉर्मल कंडीशन में और ट्रिप कंडीशन में। थर्मल ओवरलोड रिले के पावर कॉन्टैक्ट को सीरीज लैंप से चेक किया जाता है। पावर कॉन्टैक्ट क्लोज होने चाहिए। आप देख सकते हैं कि पावर कॉन्टैक्ट क्लोज होने से सीरीज लैंप ऑन हो रहा है। नॉर्मल कंडीशन में NC कॉन्टैक्ट क्लोज और NO कॉन्टैक्ट ओपन होते हैं। आप देख सकते हैं कि NC कॉन्टैक्ट पर सीरीज लैंप ऑन हो रहा है और NO कॉन्टैक्ट पर लैंप ऑन नहीं हो रहा। यानी नॉर्मल कंडीशन में थर्मल ओवरलोड रिले की टेस्टिंग ओके है। चलिए देखते हैं ट्रिप कंडीशन में थर्मल ओवरलोड रिले की टेस्टिंग मैन्युअली ट्रिप करने के बाद। ट्रिप कंडीशन में NC कॉन्टैक्ट ओपन और NO कॉन्टैक्ट क्लोज होने चाहिए। आप देख सकते हैं कि NC कॉन्टैक्ट पर सीरीज लैंप ऑन नहीं हो रहा, यानी NC कॉन्टैक्ट ओपन है। NO कॉन्टैक्ट पर सीरीज लैंप ऑन हो रहा है, यानी NO कॉन्टैक्ट क्लोज है। इस तरह थर्मल ओवरलोड रिले की ट्रिप कंडीशन में और नॉर्मल कंडीशन में टेस्टिंग ओके है। अब हम रिले को कंट्रोल पैनल में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें AJ इलेक्ट्रिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।